कृष्णाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै हरे केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्तवत्यै नमो नमः कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद वंदना नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधव भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद वंदना नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधव भक्ति वेदांत श्री लाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाधिक प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण मक्खन चोरी की है, जाकर के दूसरे घर में भी कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे और कौवे और बंदर को मक्खन खिला रहे थे। इतने में मैया यशोदा ने जब देखा उन्होंने मटकी फोड़ दी और उसके बाद में कृष्ण का चरण छाप को उन्होंने देखा। हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण शिक्षा देते हुए अगर कोई मेरे को अंतर आत्मा से अंतर हृदय से अगर मेरे को कोई ढूंढे लेकिन जब तक मैं स्वयं किसकी पकड़ में नहीं आऊं मेरे को कोई पकड़ नहीं सकते है। इसलिए न अयम आत्मा प्रवचने न लभ न मृदया न बहुना श्रुतेना जम वैश्य वृणुते न लभ्य तस्य से आत्मा विवर्णित मनुष्य। इसलिए जो भगवत आत्म तत्व को कोई प्रवचन को द्वारा कोई विद्वत का द्वारा कोई ज्ञान को द्वारा कोई प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कब प्राप्त कर सकते हैं बोले जब भगवान कृपा करके सही जाने कार्य देव जाना उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं। इसलिए मानो कृष्ण जान बुझ कर तुमने अपना चरण छाप को उन्हें छोड़ देते थे। अभी मैया यशोदा एक लठिया लेकर के धीरे 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 उसको पीछे कर रहे हैं। भैया देखिया देखती है कितने कष्ट से मैंने मक्खन निकाले अगर खुद खाते तो कोई बात नहीं लेकिन ये बंदर और कौवों को ये खिला रहा था मैया को तो और ज्यादा क्रोध बोले इसको कुछ दंड देनी चाहिए। इतने में देखा उसने एक एक जो कौवे बंदर जब देखा मैया आ रही है तो हाथ में लठिया है ना देखो पक्षियों में सबसे ज्यादा जो चालाक ना द्रुत है वो कौवा है। कहते बंदर में जो सबसे चालाक है कहते बंदर है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है ये बंदर। आप देखना जब कोई बंदर बैठता है ना कभी एक तरफ नहीं उसको आंख है ना आप देखना चार तरफ उसको आंख होती है। आप कौवे कौवे को देख लेना कौवे को हर चिड़िया को देखोगे जब देखा वो एक तरफ में देखता है सीधा लेकिन किसी कौवे को देखो ऐसे नहीं चार तरफ उसको पूरा नजर चार तरफ वो बड़े धूर्त हैं। इसलिए अभी जब देखा मैया का हाथ में लठिया है इतने में जो कौवे एक एक करके पीछे हटने लगे और एक एक बंदर भी धीरे 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 ये बंदर भी पीछे हट रहे थे। कृष्ण ने देखा कि बंदर कौवे पीछे क्यों हट रहे हो ना हो मैया तो नहीं आ गई। इतने में पीछे मोड़ करके देखा
सचमुच से पीछे मैया है और अभी अभी मैया कृष्ण को पकड़ने वाली है। जो चोर पक्के चोर होते हैं, अगर गृहस्वामी जग जाए वो किधर भागेगा, वो पहले उसका रास्ता सही कर रखता है। जो पक्के चोर होते हैं और जो कच्चे चोर होते ना फंस जाते, लेकिन कृष्ण तो पक्के चोर है, वो कच्चे चोर है। इसलिए ब्रजी पशुधम अवनीत चौरम, अनेक जन्मा जित पाप चौरम, इसलिए चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामी। वो चोर में सबसे बड़े चोर कृष्ण है, जो दीप को चुरा है, मन को चुरा है, और हमारे पाप ताप को जो चुरा के कौन है, यदि श्री मक्खन चोर श्री कृष्ण के नहीं है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। चोर से जय करते बोले श्री मक्खन चोर की जय। अपने हिंदी पुस्तक से कितना सब पत्रिका से हरे कृष्णा। अभी मैया यशोदा अभी कृष्ण को पकड़ने वाले, इतने में कृष्ण पहले से ही मेन दरवाजा, जो मेन रोड का दरवाजा को खोल कर रखे थे। अगर इधर से कृष्ण आए तो मैं इधर भाग जाऊंगा। इतने में कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में भागने लगे। बोले क्यों भागने लगे, पहले माताएं कभी भी घर से बाहर कोई नहीं थी। माताओं का काम होता था घर का सारे काम को संभालना, और पुरुष लोगों का काम होता था बाहर का सारे काम को पुरुष संभाल, घर का काम को माताएं संभालना। इसलिए कृष्ण को पता है मैया तो घर के बहू, ये तो घर से बाहर निकलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने छलांग लगा कर भागे। लेकिन उस दिन था दीपावली, जितने ब्रजवासी पुरुष लोग दीपावली मनाने के लिए सबके सब चले गए, तो कोई थे नहीं ब्रज। मैया बोले कहाँ तक तू जाओगे, सुखे मेरे तू अपना कोख से जन्म लिया ना, जाओगे कहाँ पर। इतने में मैया उनको पीछे दौड़ती है पकड़ने के लिए, कहते किसको पीछे पकड़ रही है दौड़ने के लिए। यद्यपि समाधि सुविधिर अपि पश्यति न तप मथा ब्रह्मर्षि वायु रथापि मनस मन पुंगवंता। कहते उनको पकड़ने के लिए कृष्ण कौन है, बोले जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी योगी जटाधारी ये सबके सब कोई टांग ऊपर ऊंचा करके सर नीचा करके, कोई चारों तरफ आग जला करके, कोई पानी को अंदर में, कोई आग को बीच में बैठी करके, जिन भगवान को पाने के लिए ये कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा भी अपना ध्यान को द्वारा उन जिनकी चरण की नख की छटा को भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। काल जब जिसको पीछे भागते 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 जिसको पा ही नहीं पाए, अभी मैया यशोदा उनको पाने के लिए पीछे भाग रही है। उनको पीछे मैया भाग रही थी, लेकिन जब मैया भाग रही थी मैया की चोटी में बड़े सुंदर फूलों की माला से वो श्रृंगार करके रखी थी। उनको चोटी से एक एक फूल गिरते 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 मानव फूल ये बता रहा था, बोले मैया तू अकेले मत समझो, तेरे साथ तो हम भी मिले, चलो आज कृष्ण को पकड़ करके ही छोड़ेंगे, कृष्ण का आज हमें छोड़ना नहीं है। जब थोड़ी दूर गए, इतने में मैया तो थोड़ी सी मोटी थी, मैया तो हाफ गई, मैया से भागा नहीं जा पा जा रहा है। इतने में मैया बोले कन्हैया तू वहां पर खड़ा रहता कि नहीं, देख मेरे हाथ में लठिया देख रहे हो, अभी ये लठिया को मारो फेंको तेरे ऊपर में। जब ऐसे भी इतने में कृष्ण कह रहे बोले मैया मैं तक खड़े थे जाऊंगो, लेकिन तो हाथ से पहले लठिया फेंक, ये लठिया देख कर के मेरे को डर लग रहा है। मैया बोले तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को पूजूंगी, माताएं बच्चों को पूजा करके इसे तेरे को तो मैं पूजूंगी मारूंगी नहीं। इतने में कृष्ण उन्होंने कृष्ण खड़े हो गए और मैया भी खड़ी हो गई। यहाँ और एक शिक्षा देते हैं, बोले कृष्ण कब तक भागते रहे, बोले जब तक मैया उसको पकड़ने के लिए भाग तब तक वो भागते रहे, लेकिन जब मैया खड़ी हो गई ना कृष्ण भी खड़े हो गए।
भैया खड़े हो तो कृष्ण जी खड़े हो। इसका भले इसका मतलब क्या बोले, इसका मतलब है अगर साधक अपना चेष्टा से अगर कोशिश करता है भगवान को पकड़ने के लिए पड़ाव करेंगे, अपना चेष्टा से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब साधक उनको पाने के लिए कोशिश करे लेकिन नहीं पा सकते, लेकिन जो खड़े हुए हैं ठाकुर जी जब तक तू कृपा नहीं करोगे ना तेरे को पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैया खड़े हुए तो कृष्ण भी वहीं पर कृष्ण खड़े हो गए, और इतने में कृष्ण मैया जाकर कृष्ण को पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है उसी समय में जो दूसरा जो श्लोक है मोर भगवान को हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, केवल भक्ति को द्वारा ही भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। केवल प्रेम मेरे बस चैतन्य गोस्वामी भगवान को केवल प्रेम से ही वशीभूत कर सकते हैं। इसलिए कहते सबसे ऊंची प्रेम सगर उस बात से तो जगत में सबसे जो ऊंचा क्या है, प्रेम का बंधन, ज्ञान का बंधन, कर्म का बंधन, योग का बंधन, सब का बंधन है, लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं ईश्वर द्वारा मेरे को कोई नहीं बांध सकते हैं, मेरे को तो केवल प्रेम को द्वारा ही कोई बांध सकते हैं और किसी चीज को द्वारा कोई मेरे को बांध नहीं सकते हैं। इसलिए लेकिन मैया यशोदा अभी जब कृष्ण को पकड़ बोले रुदन तमो नेत्र युग्म उसी समय कृष्ण सिसर सिसर करके रो रहे थे और मैया मोटी मोटी काजल कृष्ण को लगा दी थी। कृष्ण दोनों हाथ मसल रहे थे, मसल के समय दोनों हाथों से काजल मिश्रित दो धार से उनको अश्रु विसर्जन हो रहा था। ऐसे लग रहा था मानो गंगा जमुना दो नदी कृष्ण का आंखों के अश्रु में ये गंगा जमुना दो नदी बह रही है। मोर श्वास मोर कंठ उनकी जो कंठ में त्रिवली पड़ी हुई है। इसलिए अभी मैया ने पूछे बोले कन्हैया ये बताओ ये मटकी किसने फोड़ी। कन्हैया बोले मैया ये बताओ साची बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ में क्या बात, साची ना की बता दे सच सच तू बता दे। बोले मैया जब तू दूध रखा करने जा रही थी में इतने मोटे मोटे कौड़ुले लगे थी और तेजी से जा रही थी ना वो कौड़ लग करके ये मटकी फूट गई। भैया बोले देखो पीने खुद मटकी फोड़े अरे तुमने पैर कौड़ुले से मटकी फूट गई ये तो बड़ा दुष्ट हो गया। बोले बताओ कि ये कौवा बंदर को किसने मकर खिलाया। बोले मैया जिसने बनाया उसने खिलाया, जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बहुत बड़ा चोर हो गया है, तो बड़ा चोर हो गया। लेकिन कृष्ण बचपन में सुन लगते उनके मामा जी का नाम था चोर को है। बोले मैं तो नंद बाबा साहूकार नंद बाबा राजा का बेटा है, मैं तो राजा का बेटा राजा, तेरे घर में कोई चोर होगा। हाँ मेरे घर में कोई चोर है ही नहीं। बोली सब कहाँ सुन करके रखा। बोले तू तो बंदरों का दोस्त बन गया बंदर बंधु। बोले अगर मैं बंदर का बंधु छोड़ दू तेरे बंदरों के साथ में जंगल में रहूंगा तेरे घर में नहीं रहूंगा। आप देखना बच्चों को जब ज्यादा क्रोध आए ना तो दिमाग में जो आता है वही कर बैठते हैं। इसे ज्यादा क्रोध जो बच्चे को उसको संभालनी चाहिए। मैया ने कहा कितने कष्ट से कितने पूजा सेवा करके हमें एक लाला मिला है, अगर सचमुच से अगर कृष्ण जंगल में चला गया तो फिर क्या होगा। अब देखना बच्चों का एकदम क्रोध आता है, थोड़ी देर बाद में फिर बच्चा का क्रोध शांत हो जाता है, फिर मैया की गोद में बच्चे फिर आ जाएंगे। ये बच्चों का एक स्वभाव है, बच्चों का ये स्वभाव है। मतलब थोड़ी समय के लिए समय बांध करके रख देती हूँ, क्रोध शांत हो जाएगा तो फिर उसको खोल दू। इतने में मैया ने कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश की, अपना जो चोटी
पहले जो छोटी रिबन होता था ना, क्यों बोलते उसको, जो फीता होता था इसमें, रिबन क्या बोलते हैं हिंदी में, इसलिए उसको उन्होंने निकाले, निकाल करके जब कृष्ण को काटने के लिए गए, बोले तू खाल और ये उद्धू खाल, तू खाल और ये उद्धू खाल, दोनों ही खाल, खाल मतलब दुष्ट, दोनों मिल करके मक्खन चोरी की, आज मैं दोनों को मैं बांटना चाहती हूँ। जब भैया यशोदा बांटने के लिए गई, कृष्ण का कमर कितनी से कमर है, लेकिन जब बांधने के लिए गए उसमें दो अंगुल कम पड़ गया। भैया गोपियां खड़ी हुई, बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आए, फिर गांठ बंधाया, फिर बांधने के लिए गए, फिर उसमें दो अंगुल कम पड़ गया, बोले और एक रस्सी ले आओ। गोपियों ने कहा भैया विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, तू कैसे बांध दो, बोले क्या ये मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, आज की मैं बांध करके तभी रहूंगी, और एक रस्सी ले आओ। तो ब्रज के सारे रस्सी खत्म हो गई, कमर जितने बड़े उतने ही है, कमरे में एक रस्सी फीता बंधा हुआ था वो वैसे वैसे, लेकिन रस्सी है, रस्सी बढ़ते जा रही है, कमर जैसे तैसे, लेकिन वो दो अंगुल किसी तरह से पूरी हो ही नहीं पा रहा है। भैया तो सवेरे से लेकर के शाम तक थक गई, करते 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 जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, अपना कृष्ण देवता श्री नारायण का चरण में शरणागति हो गई, बोले हे प्रभु आज तू मेरे लाज को बचा, ये मेरे कोख से जन्म लिया, सब गोपियां खड़ी होकर चिली उड़ा रही हैं, तू लाला को बांध नहीं सकती हो, इसलिए सकती हो तुम, इसलिए प्रभु मेरे लाज को बचा। जब उन्हें शरणागति हो गई, कहते माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया असीत सुबंधने, तो उन्होंने माँ की परिश्रम को देख करके कृपा करके बंधन को स्वीकार किया, भैया उनको बांधने नहीं, उन्होंने बंधन को स्वीकार उन्होंने किया है। इसलिए हम लोग पहले सुनते थे जे इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ा, उसमें तीन नहीं चार नहीं, जितना बार उन्होंने बांधने की कोशिश की उसमें दो अंगुल, दो अंगुल पूरी नहीं हो पा रहे, किस तरह से हैं, बोलो कि किसने दो अंगुल कम पड़ा, जोर से बोलो, बोलो साधन का, साधक का साधन, जोर से बोलो, किधर आ जाओ, किधर आ जाओ, बढ़िया से तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जो दो उंगलियां मांगिया ईश्वर जब भगवान कृष्ण को बांध रही थी, उस नहीं दो उंगलियां कम बांध रही थी रस्सी की, वो यहाँ बताते हैं टीकाकार उसमें टीका करते हुए कि ज्यादा उंगली कम नहीं पड़ी, वो सिर्फ दो ही उंगली कम पड़ रही थी, तो इन दो उंगलियों का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ बताते हैं कि दो उंगली में से ये पहली उंगली जो कम पड़ रहा था वो है साधक, जो साधक है जो भगवान को बांधना चाह रहा है अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाह रहा है, वो पहला उंगली जो कम पड़ रही थी वो है साधक का साधक, जो चेष्टा वो कर रहे हैं साधक भगवान को अपने वश में करने के लिए, अपने बांधने के लिए, तो वो जो चेष्टा कर रहे हैं इस चेष्टा को बताया गया है ये पहली उंगली है। आप देखो अब कितना परिश्रम जो सारे हमारे साधन भजन है वो इसका सिग्निफिकेंस है कि पहली उंगली जो है साधन की चेष्टा है। दूसरी उंगली के विषय में बताया गया है कि वो भगवान जो है उनको आप सिर्फ चेष्टा करते रहो वो जो है बंधन स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे बताया ना कि कृपया तब आसीत बंधने की, भगवान ने स्वयं बंधन स्वीकार किया है, तो दूसरी चीज़ जो है ये भगवान की कृपा है। दूसरी उंगली में जो है जो कम पड़ रही थी वो है भगवान की कृपा की, यद्यपि आप चाहो उनको बांधने के लिए, ब्रह्मा जी भी इस चीज़ को अपनी स्तुति में कह सकते हैं कि वो जो है वो अजीत है, जो भगवान है वो अजीत है लेकिन उनको भी जीता जा सकता है, कैसे, जब वो निज कृपा कर दे। तो ये दूसरी उंगली जो बताई गई है वो है कि भगवान की कृपा होगी तब जाकर हम उनको बांध पाएंगे।
जैसे टीकाकार इसमें एक बात और बोलते हैं कि दो उंगलियां जो बता रहे हैं, तो इसमें उदाहरण देते बताते हैं कि जैसे आपने बंदर देखा होगा, बंदर जो है किस प्रकार अपने माँ के स्तन से चिपका हुआ रहता है। जैसे बंदर जब भी पैदा होता है ना, बंदर का जो बच्चा होता है वो उसके माँ को जकड़े रखता है। माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ जब घूमती रहेगी तो बंदर को वो जो उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो माँ को पकड़े रहे। अगर बच्चा ना एक बार छूट गया फिर माँ उसको और गोद में लेती नहीं, उसको लेती नहीं है। और दूसरा एक एग्जाम्पल बताया है कि बिल्ली का। बिल्ली का क्या होता है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, बिल्ली अपने मुख के अंदर उस बच्चे को दबा के मतलब सुरक्षित रखती है। जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी अपने बच्चे को अपने मुख के अंदर सुरक्षित रखते हुए इधर से उधर ट्रैवल करती है। तो बताया गया है कि क्या हमारा जो चेष्टा है किस प्रकार ऐसा होना चाहिए, हम जैसे कि जिस प्रकार बंदर की, एक तो बंदर के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद ही सब कुछ करेगा, और एक बताया कि बिल्ली की बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, सारा जो है बंदर की जो बिल्ली की माँ है वो कर रही है। तो नहीं, बताया कि ना ही तो बंदर जैसा होगा ना ही बिल्ली जैसा होगा, इन दोनों के बीच का अर्थात दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए कि ऐसा नहीं होगा सिर्फ भगवान कृपा कर देंगे और हम तो हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा सिर्फ हम हमारी चेष्टा से कर पाएंगे। दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे कि अर्थात हमें भी साधन करना पड़ेगा और भगवान की भी कृपा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गौर ब्रह्मदे हरे हरे। अब लोगों ने सुना है दो न्याय बताया, एक बिल्ली और एक बंदर। या तो बिल्ली बंदर देखे होंगे, बिल्ली का उदाहरण इसलिए दिया अगर अब उसका बच्चा कुछ भी नहीं करता है, मैया उसको जहाँ ले जाना मैया उसको ले जाती है, यहाँ से यहाँ वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ दस बार घुमाना मैया करती। इसका मतलब है अगर कोई साधक सोचे अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता, जब उसकी बगैर एक पता नहीं हिलता है हम क्या कर सकते हैं, जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा तब तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करें, बैठे रहेंगे ये एक न्याय है। दूसरा जो न्याय है बंदर न्याय, जैसे बच्चा मैया को जोर कर पकड़ कर रखता है और उसका मैया एक से दूसरे दूसरे तीसरी जगह छलांग लगाते हैं। अगर कोई सोचे मैं अपना चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अपना चेष्टा से ही भगवत प्राप्त करूंगा, कभी ये दोनों ही फैले। अपना चेष्टा से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कहते ना एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धरे। इसलिए हमारे वैष्णव लोग सब जगह में प्रार्थना करते हैं, बोले हे प्रभु निज बल चेष्टा प्रति भरसा चारिया है, तुम्हार इच्छाएं अच्छी निर्भर कर। निज बल चेष्टा का प्रति जो भरसा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पहले मैं सोच रहा था शायद अपना निज बल चेष्टा के द्वारा हम तुमको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गोपीनाथ मम निवेदन सुना है, गोपीनाथ मम निवेदन सुना। इसलिए कि गोपीनाथ कीर्तन में बड़े सुंदर रूप में भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले मैं अपना चेष्टा से माया को जीतने के लिए कोशिश करता हूँ लेकिन प्रभु मैं फेल हो गया, मेरा जितना चाहने पर भी ये माया बड़ा बलवान है, माया बड़ा बलवान है, ये माया को कोई नहीं जीत सकते, अभी तो मैं सारी चेष्टा मेरी फेल हो गई, अगर आपकी अगर कृपा हो तो तुम्हें कृपा करी हमारे लय ले संसार उधार पाए, अगर आप कृपा करके हमें संसार से उधार करवाओगे तभी हम पार हो सकते हैं, हम अपना चेष्टा से नहीं कर सकते। इसलिए यह पहला चेष्टा है, अपना चेष्टा से भगवत प्राप्ति असंभव है। लेकिन दूसरा जो चेष्टा है, हाँ जब उसका इच्छा होगा होगा उसको इच्छा से नहीं, ये भी फेल है, ये भी काम नहीं करेगा, फिर क्या करनी चाहिए, बोले ये दोनों को मिला देंगे तब तो होगा, चेष्टा करना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, मंगल आरती में आना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, कीर्तन में बैठना पड़ेगा, अपना नाम करना पड़ेगा, ठाकुर को सेवा करनी पड़ेगी, वृंदावन में आना ही पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा,
हैं अपना चेष्टा करना ही पड़ेगा हैं अपना चेष्टा नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता नहीं इसलिए बोले मंत्र साधन की बात शरीर पतन भले ही ये शरीर हमारे गिर जाए पतन हो जाए लेकिन हम मंत्र को द्वारा हम साधन करके ठाकुर को प्राप्त करते ही रहेंगे जब तक साधकता इसे दृढ़ विश्वास नहीं हो तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है इसलिए हमारी अंदर में चेष्टा होनी चाहिए चेष्टा होनी चाहिए एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे एक बार हम गए थे ध्रुव जिला दर्शन करने के वहाँ पर एक साधु भजन कर रहा था जब हमारे बड़े गुरु जी गए थे उसके साथ में हम गए थे एक साधु ने प्रश्न किया बोले गुरुदेव यहीं पर ध्रुव महाराज जी 6 महीना में भगवत प्राप्त करेंगे लेकिन मैं कितना साल हो गया यहाँ पर भजन करता हूँ इसी लोभ से मैं यहाँ पर आया हूँ यहीं पर ध्रुव जी 6 महीना में ठाकुर को प्राप्त किया मैंने सोचा मुझे भी ठाकुर दर्शन मिल जाएंगे लेकिन कितने साल हो गया तो दर्शन नहीं हो रहा तो गुरु जी को उन्होंने प्रश्न किया बताओ गुरुदेव कब ठाकुर मिलेंगे देखो गुरु जी क्या कहते बोले तब तक ठाकुर नहीं मिलेंगे जब तक तुम्हारी साधन करते करते तुम्हारी प्राण जब तक ये होठ तक नहीं आ जाएगा तब तक ठाकुर नहीं मिलेंगे समझ रहे हो ऐसे साधन करेंगे अगर ठाकुर जी मेरे ऊपर में कृपा नहीं करेंगे तो अपना प्राण को हम त्याग देते ऐसे साधन करना पड़ेगा पूरा उसमें रम जाना पड़ेगा उसमें पूरा डूब जाना पड़ेगा भगवत भक्ति में इसलिए गुरु जी कहते हैं प्राण तुम्हारी होठ तक आ जानी चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं मस्ती होकर के कोई भगवत प्राप्ति कोई चेष्टा नहीं जो हो रहा है नहीं उसके लिए कुछ चेष्टा होनी चाहिए उसके लिए इसलिए ये पहला अंगुली है दूसरा अंगुली क्या बोले भगवान का कृपा इसलिए वो जो साधन कैसे होनी चाहिए साधन कैसे होनी चाहिए ठाकुर जी हम तो साधन कर सकते हैं लेकिन जब तक गुरु वैष्णव की कृपा नहीं हो जब तक आपकी कृपा नहीं हो ना ये साधन तब तक ये फल नहीं दे सकते अपना साधन से प्राप्त नहीं कर सकते हम साधन तो करेंगे लेकिन आपकी कृपा होनी चाहिए आपकी कृपा होनी चाहिए तभी ये भगवत प्राप्ति होगी नहीं तो केवल अपना साधन को द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए मैया तब तक नहीं बांध पाई जब तक अपना चेष्टा उसने लगाया लेकिन कब बंधन को स्वीकार किए कृपया आसीत स्वबंधने वो जब उन्होंने शरणागति हो गई ठाकुर जी मैं तो सवेर से शाम तक फेल हो गई हूँ आप मेरी लाज बचाओ जब उन्होंने शरणागति हो गई फिर भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार करके इसलिए यहाँ पर दोनों चेष्टा होनी चाहिए तभी जाकर ये काम फलित हो बुझते बात चिंतो हाँ बुझते बात लेने का की सुनता किया चिंत हरे कृष्णा एकाने सिखा दी चे एकाने दो आगु इन्हें काम पढ़ लो तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं के एकाने सिखा दी चे प्रथम आगु जहाँ लो आमादर जे साधन रे चेष्टा जिस ताके पावर जिने चेष्टा ना करी यदि सूर्य थक की भगवान पी जावे एकता जी सिंह चिंता करे अरे आप मुख खुले ना बच जाओ क्या आज का हरणी ऐसे मुखरे में डूब जाए बेटा होते बारे वो आवे ना ऐ जने सिंह के चेष्टा करते हुए हरणी की धारा चुने हाँ कब तो दौड़ा है कुछ ने ऐ जने भगवान के पावर जने चेष्टा करते हुए जेरे काम अपना उनके मन करते अरे ठाकुर इच्छा छड़ा तो क्या एकता घास और दौड़ेगा की हवे वृंदावन ये पाठ से बस था कि हो तो अपन को तो कष्ट करी प्रत्येक वर्ष एक वर्ष जने एक टू तो टाका जमा करते 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 वृंदावन जावो टाका एक वर्ष तेरे जमा कर कर चले लेकिन ना कि 5 वर्ष तेरे कर चले हाँ करते 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 तापर किए कहन वृंदावन से गाड़ी ते को तो 2-3 गाड़ी पाल दिए तापर कष्ट कर तब तो वृंदावन ऐसे चले यदि कष्ट ना करी बाड़ी के बसता के ना जे ये की हवे ये बाड़ी के धागली हो जा एकन के आस्ते बात है एकन आस्ते बात ना चेष्टा कर छे ए जने एक दूर अपनारा आस्ते करे छे ने जने प्रथम अंगुल होलो हमादर के ताके पावर के चेष्टा कर करे द्वितीय अंगुल ता होलो जब हम चेष्टा करबे तमन गोविंद पावे तभी तो वृंदावन से बस छे तभी तो रूप सनातन गौड़िया मठे से
तभी तो इन परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा करते बात नहीं कर से अजिता नाकर्तन की ब्रजमंडल परिक्रमा हो तो ब्रजमंडल परिक्रमा हो तो ना ब्रजमंडल परिक्रमा करते बात से ना इजने चेष्टा कर से तो हर ठाकुर तुम्हारे ऊपर तो कहाँ कृपा कर से और चेष्टा ना कर ला ठाकुर कृपा कर तो चले जब ना करना कटी करे चले जब करना कटी ना करे माथ का स्थान पावन कराए 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 ना जब मैंने कुछ ले एक जो मैंने कान्ना काटी करे घूमते के बैठ गए थे माँ रान्ना वान्ना कर चे चले एक तो फिर ना तो कान्ना काटी करे बोले क्यों ना बोले माय काने जैसे कान्ना काटी का पड़े माँ ऐसे आने में खोल दी अद्भुत था कि तो माँ को जा रही कुंतल रान्ना से सो जा भी तो मैं चाहो छलता जब हम देखे माँ आज से ना तो हम छलता किधर हाथ तो जोर करे कान्ना काटे कर रहे हैं तो माँ ये कान्ने पड़े हाँ सुनते बारे माँ हमारे के कोले उठे नहीं जाते যখন থেকে আবার আসে না তখন এত জোরে কান্না কাটি করতে আরম্ভ করে আর মা থাকতে পারে না কি করে সো কাজ কাজ কই করে রেখে দিয়ে ফেলে দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে যায় বুঝতে পারছেন তো সেই রকম ভাবে ভগবান কে পাওয়ার জন্য কান্না কাটি করতে হবে কাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে যখন চেষ্টা করবে তখন ঠাকুরের কৃপা হয়ে যাবে তখন ঠাকুরের কৃপা হয়ে যাবে তবে তো কৃপা পেয়ে এখানে বৃন্দাবন এসেছে এমনি বৃন্দাবন এসেছেন কত কষ্ট করছেন एक एक की पैसा जमा करते 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 आज के वृंदावन जाने अरे आज के बाद चल उस बार चल तो ललिता ई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल लिता ई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल ए बार कोई पटे चलो चल तारे आज के दर्शन जाबो बैसी बैठे धीर सबरे गोविंद दे अनेक दर्शन आछे गोपीश्वर महादेव ठीक आछे गीता गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीता गौर हरि बोल हरि बोल